दोस्तों, जावा राइडर कोलकाता में आप सभी का स्वागत है। और आज दुर्गा पूजा की जो है महाषष्ठी है और रात के बज चुके हैं 10। हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो आज सारा रात हम लोग घूमेंगे और क्या क्या चीज़ देखते हैं, कितने पंडाल घूमते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने घर से निकल करके जो हैं पहले पैंडल में आ चुके हैं। ये बारह नगर का शिव मंदिर मार्ग इस पूजा पंडाल का नाम है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी थोड़ी जो है बारिश भी प्रारंभ हो चुकी है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो भीतर का नज़ारा क्या है आपको अब आगे दिखाते हैं। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं फिर एक और पंडाल में। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं आज के दूसरे पंडाल में। आप इसे पीछे वाले पंडाल देख चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये दूसरे पंडाल का जो है एंट्री पॉइंट है। ये भी हम लोग के घर के पास में ही है, बारह नगर में है। और इस पूजा पंडाल का नाम जो है छात्र सम्मेलनी है। तो चलिए अब इस पूजा पंडाल के भीतर हम लोग प्रवेश करते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है ये आपको आगे दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है यहाँ का पूजा पंडाल है, आप लाइटिंग देख सकते हैं। हम लोग चूँकि रात में निकले हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो है जितने भी दर्शक गण हैं इनकी संख्याएं काफ़ी कम है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी घूमने वाले जो हैं, जो घूमने के लिए आ रहे हैं, इनकी संख्याएँ जितनी कम होंगी उतनी अच्छी ढंग से जो है हम लोग घूम पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है आ ही चुके हैं, अब आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो श्रेयस, पैंडल कैसा है ये वाला? बहुत अच्छा। इसमें क्या अच्छा लगा तुम्हें? पूरा नेचुरल थीम है इसका। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको जो है 360 जो है हम कैमरा घुमा करके दिखा रहे हैं कि इस पैंडल की कितनी सुंदरता है, ये आप डिटेल में देखिए। तो यहाँ की जो पंडाल जो है देख चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैंडल की ओर। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये जो पैंडल देख रहे हैं, इस पैंडल का नाम जो है मल्लिक कॉलोनी सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी। तो पैंडल के भीतर जो है पूरा कूलर लगाया गया है और पैंडल का ठीक यही जो पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो एंट्रेंस पॉइंट है, एंट्री गेट है। तो अब जो है हम यहाँ से प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये पंडाल जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके ऊपर बनाया गया है, उसको दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने में ये जो आप जो क्रोकोडाइल को देख रहे हैं, ये जलजीव प्राणी है। तो सबसे पहले जो है जलजीव प्राणी की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें ये भी है। और उसके बाद आप सामने में देख सकते हैं ये कछुआ, इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसकी उत्पत्ति होने के बाद जो है आप सामने डायनासोर देख सकते हैं। जलजीव प्राणी के बाद जो है डायनासोर आया, और डायनासोर आने के बाद जो है जो आप मेरे सामने में जो दो आदि मानव देख रहे हैं, ये मेरे सामने में जो दो आदि मानव देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति हुई।
तो इस पैंडल में जो है मतलब काफ़ी बच्चों को सीखने लायक चीज़ को दर्शाया गया है। तो सभी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आएँ और अपने माता पिता से समझें इस सारे चीज़ डिटेल को। तो इसकी उत्पत्ति होने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे एक पहाड़ को दिखाया गया है, ये जो सामने जो पहाड़ है और यहाँ पे देखिए रेप्टाइल है। इसकी उत्पत्ति जो है आदि मानव के बाद हुई थी और वहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर पंछी भी एक जो है उड़ रहा है। ठीक इसकी उत्पत्ति के बाद जो है अब आगे जो है ये सामने में जो ग्लोब आप देख रहे हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और ठीक इसके ऊपर आप देख सकते हैं दो मनुष्य जो है बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है मनुष्य जाति का जो है इस सृष्टि में जो है आगमन हुआ था। तो चलिए हम लोग ये पंडाल के भीतर माँ का अब जो है माँ का दर्शन करते हैं। दुर्गा को देखिए, इनके माथे के ऊपर जो है एक लेजर लाइट लगा दिया गया है। और आप देखिए मतलब अगर इस वीडियो को आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है शिक्षाएं मिलेंगी। और ठीक इसके ऊपर आप देखिए जितने भी शाखा वगैरह जो हम लोग इंडियन समाज में हिंदू महिलाएं जो पहनती हैं हाथ में शादी होने के बाद, वो सारा चीज़ जो है ऊपर में दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ को पूरे जो है ग्रामीण स्टाइल में जो है उनको सजाया गया है। तो हम लोग जो है पूजा पंडाल देख चुके हैं, आपको यहाँ के बारे में जो है जितनी भी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई वो सारा चीज़ बता चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों बड़ा बागान स्पोर्टिंग क्लब्स जो है इस पैंडल में हम लोग आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पैंडल कितना भव्य बनाया गया है। अभी जो है समय जो है 12:10 हो चुके हैं और सप्तमी जो है पड़ चुका है। आप सभी को महासप्तमी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब इस पैंडल को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस पैंडल का निर्माण जो हुआ है उसमें जो जो चीज़ हम प्राइमरी स्टेज में देखे हैं और जो अब देख रहे हैं, इसमें जो है छोटी छोटी जो बास्केट होती है टोकरी उसका उपयोग किया गया है। और जो सूप जो पहले जो चावल वगैरह बुनने चावल से कंकर निकालने के लिए जो सूप यूज किया जाता था उस सूप का उपयोग किया गया है। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं छोटी छोटी जो बास्केट है उसका उपयोग किया गया है। और यहाँ जो है ये सूप देख रहे हैं ठीक मेरे सामने, और यहाँ पे आपको हम क्लोजली दिखा रहे हैं ये जो है बांस को काट काट करके ये पूरा डिज़ाइन जो है किया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है।
हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जो हैं एक अगली पंडाल की ओर आ गए हैं। ये पंडाल तो देखने में काफ़ी छोटी है, लेकिन यहाँ की प्रतिमा जो है इतनी सुंदर है कि हम लोग रुक गए देखने के लिए। तो चलिए यहाँ की प्रतिमा का एक झलक देखते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं। तो पंडाल के प्रांगण में जो है प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पे जो है अभी कोई नहीं है, क्योंकि रात के अभी लगभग 1 बज रही है। तो सोचे कि चलिए आप लोगों को दिखाया जाए यहाँ की माँ की प्रतिमा। तो आप मेरे पीछे में ये देखिए माँ को, मतलब इतना सुंदर लग रही हैं, इनका फ़ोटो इतना देखने में अच्छा लगा इनका दृश्य कि हम यहाँ पे रुक गए। और रुक करके जो है हम सोचे कि इनको प्रणाम करके या इनका आशीर्वाद लेकर के जो है यहाँ से आगे बढ़ जाए। तो आपको माँ का दर्शन जो है क्लोजली आगे करवाते हैं। तो चलिए अब अगले पंडाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे पीछे ये जो पैंडल देख रहे हैं यही नेताजी लो लैंड का पैंडल है और कोलकाता उत्तर कलकत्ता का अगर बोला जाए तो सबसे फेमस पैंडल में से एक है। और इसके सामने में ठीक जो है एक बड़ी सी लेक है, आप देख रहे होंगे। और इस लेक के भीतर में जो है काफ़ी सारी लाइटिंग की जाती है जो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पैंडल के भीतर में जो है अब हम लोग प्रवेश करेंगे और पैंडल के भीतर में खूबसूरती क्या है ये आपको जो है अब आगे हम दिखाते हैं। तो इस पैंडल की जो दृश्य है इस एंगल से आप देख सकते हैं, ये सामने में जो एक लेक है, छोटी सी पोखरा है, और उसके ठीक इस साइड में जो ये जो है पंडाल बनाया गया है। तो अब जो है हम लोग जो पैंडल की प्रांगण है उसमें आप प्रवेश करते हुए, और लोगों की संख्या जो है अन्य पैंडल की तुलना में जो है काफ़ी अत्यधिक है आप देख सकते हैं। तो एंट्रेंस जो है कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो है इसी गेट से जो है इस पैंडल के भीतर प्रवेश करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आप देखिए हम लोग जो हैं एकदम अब भीतर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं। तो पैंडल के ठीक जो है पूरे मध्य में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं दृश्य जो है कुछ इस प्रकार की है। काफ़ी मतलब ये राजस्थान की कोई राजा की किला जो है बनाई गई है, इसका नाम जो है हमें तो अभी तक पता नहीं चला। हम देखते हैं, खोजने के प्रयास करते हैं, अगर मिलेगा तो आपको जो है हम आगे दिखा दे रहे हैं। और अब जो है मेन जो जगह है वहाँ की वीडियो आप देखिए, आप सॉफ्ट हो जाएंगे। मेन दृश्य जो है अब आपको हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों नेताजी लो लैंड के भीतर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। भीतर के दृश्य जो है आप पीछे वीडियो में देख चुके होंगे। यहाँ पे जितने भी पुलिस हैं ये ज़्यादातर यहाँ ठहरने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ बोल नहीं सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के दृश्य जो है इस पैंडल को मतलब इतना खूबसूरती से सजाया गया है कि मतलब क्या आपको हम बताएं। तो चलिए यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं और पब्लिक को आप देख ही सकते हैं। अब जो है सीधे अब हम लोग जो है माँ का दर्शन करेंगे। चूँकि भीड़ होने के कारण जो है दृश्य है ज़्यादा देर वीडियो नहीं करने दे रही है। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कैमरा मूव करवा करके कि कितना भीड़ है। वीडियो
तो दोस्तों नेताजी लोलैंड की प्रतिमा जो है माँ दुर्गा की कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, मतलब लग रहा है कि सचमुच में एक सजीव व्यक्ति जैसे दिखता है ठीक उसी प्रकार से दिख रही हैं। तो आप देखिए माँ को प्रणाम कर लीजिए यहाँ से, फिर हम लोग यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं। तो नेताजी लोलैंड का पैंडल देख करके तुम्हारा मतलब तुमको कितना अच्छा लगा बताओ? बहुत अच्छा, मतलब अभी तक जितना पैंडल देखे उसमें सबसे अच्छा कौन सा लगा? नेताजी लोलैंड। तो देखिए अभी तक जितना पैंडल हम लोग देखे हैं इसमें सबसे टॉप क्लास का पैंडल जो है यही है। हम लोग जो है मेला प्रांगण में प्रवेश कर गए हुए हैं। तो श्रेयस और श्रेयस की मम्मी जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये कुल्फी जो है खाई है। तो आप देख सकते हैं नेताजी लोलैंड की जो लाइटिंग जो की गई है इसमें राजस्थान को दर्शाया गया है, राजस्थान के संगीत को दर्शाया गया है, वहाँ की कैमल जो है बेसिक थीम जो है राजस्थान से रिलेटेड ही है। ये जो आप पैंडल देखे हैं अभी वो राजस्थान का एक किला है, तो वहीं से संबंधित जो है लाइटिंग भी यहाँ पर दिखाया गया है जो आप मेरे सामने में देख सकते हैं ये। और ये जो पूरा पोखरा जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग इधर ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।